चलता हूँ। ये जो हलवा बनवा लेना, 24 घंटे खाने का पड़ा रहता है इसको हलवा। सुन लो जरा कान खोल के तीनों, अगर मारी होगी ना छटनी इस चौकी से, एक एक गोली तीनों में पूर के जाऊंगी मैं। और अगर सर्जी की हो गई तो उनके बदले अगर आ गया कोई मोटे पेट वाला खड़ूस तो यही हो जाएगा सबका हैप्पी बर्थडे। तो आप चाहती क्या है मैडम, सर की शादी जबरदस्ती किसी गधी से करा दें ताकि वो शादीशुदा साबित हो जाए? ऐसा है, कुछ ना कुछ एडिया लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ जो है इस चौकी में जितने लोग हैं सब यहीं रहे, सब सेटल हो चुके हैं यहाँ। बढ़िया मैडम, शादी वादी तो सर करेंगे नहीं। हाय, ये तो आपको पता है। मैडम 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 एक तरीका है मैडम, देखिए अगर किसी और अफसर को आने से रोकना है तो आपको सर को पटाने का नाटक करना होगा। नहीं, उससे क्या होगा मैडम कि हम कमिश्नर साहब को जाके ये तो कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच अभी लप्पा झप्पा चल रहा है। अब चल रहा है लप्पा झप्पा तो आगे जाके शादी भी होगी, और शादी होगी तो जिम्मेदारियां भी आएंगी ना मैडम। मैडम बस यही एक तरीका है नौकरी को बचाने का। अच्छा तो ठीक है, अगर नौकरी बचाने के लिए सर को पटाने का नाटक करना होगा तो आई एम रेडी। हमें आपको एक राज की बात बतानी है। हम शादीशुदा है और हमारी पत्नी का नाम सुधा है। सर देखिए, ऐसा है कि कई झूठ मैंने भी बोला है लाइफ में, पर ये बहुत ही बकवास वाला झूठ है। देखिए, ऐसा मन ने बेरा है कि आप जो है एक्सपेंसिव डिनर बचाने के चक्कर में हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये सच है कि हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अफोर्ड ना कर सकते। मिस चौटाला, व्हाई आर यू हर्टिंग मी लाइक दिस बाय सेइंग दिस थिंग्स। लेकिन ये भी सच है कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारी पत्नी का नाम सुधा है। सुधा 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 सुधा। Excuse me, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हें क्यों? मैं हूँ सुधा, इनकी पत्नी। यो आपकी पत्नी है इतनी सी? फिर से बोल के बोला तेने। मैं हूँ सुधा पांडे, वाइफ ऑफ बजरंग पांडे। और आप, आपको शर्म नहीं आती जरा सी भी? शादीशुदा होकर भी नैन मटक्का करते हैं, वो भी किसी पराई लड़की के साथ 17 के पहाड़े में। हाँ हाँ हाँ, आप चलिए मेरे साथ घर पर। ओके चलिए। Well, mom, what is this? Is the who is this? Mrs. the oh! Miss Day, Miss Edge, Bobby sir ki. क्या? मैडम मतलब आप कह रही हैं कि सर शादीशुदा हैं? सर व्यवाहित हैं? सर मैरिड हैं? और तू यहाँ पर्यायवाची एडजेक्टिव खूब जो है बर्ड्स एक्स्ट्रा वाला बोल ले तू? मैडम जैसा लफंडर थोकेबाज उठाई गिरा, शाबाश, मतलब जैसा आदमी हम सर को समझते थे वो वैसे निकले नहीं। अरे कोई इतना इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि अपनी शादी की बात इतने टाइम तक छुपा के रखे? वेल मॉम, मत कीजिए दिल छोटा इसदा, सबका एक ना एक दिन भरता है लोटा इसदा। मैडम आप मुझे क्यों मार रही हो? अरे मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि करीना पराई है। मैडम आप ये क्या कह डाली हो? अरे हम लोग तो ये पूछने आए थे कि आपने उस मंगल धोबी से पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब निकाली कि नहीं। अबे बांदर किसी तू है, छछुंदर साथ हरा भाई, गधे का तुम्हारे जो है गधी का केस तुम्हारे का। अबे यो ही सब जो है केस में सॉल्व करती रहूं यहां बैठ के? रुको जरा यार, तुम लोग जरा आराम से। वो क्या है कि आज मैडम जरा सी बोराई बिल्ली, मेरा मतलब है फुफकारती नागिन, मेरा मतलब है थोड़ी सी गुस्से में है। आप लोगों का केस जो है वो सॉल्व करेंगे, बस मैडम का गुस्सा थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद देख लेंगे ना केस। रिलैक्स रिलैक्स, कब देख लेंगे भैया? वो धोबी ने हमारी नाक में दम कर दिया है, पता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना अपनी गधी से तलाक कराए तुम्हारे भैया की शादी में होने नहीं दूंगा। oh, no.
और मेरी गति से तलाक कराने के मैं लूंगा 20 लाख रुपए। अब बताओ भैया की शादी 2 दिन से भी कम वक्त में रह गई है, हाँ कहाँ से लाऊंगा 20 लाख रुपए। मुझे तो लग रहा है मेरा प्यारा भैया, मेरा शोर कुमार भैया बेचारा सारी जिंदगी उस गति का पति बन के रह जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बिल्लू के संग जा और उस धोबी को फॉलो कर, नजर रख उस पे। ओके मैडम, मैं एक दिन की छुट्टी लेके घर जाऊं? तू सर के पीछे जा और देख वो अपनी आइटम मतलब अपनी मिसेज के संग कहां-कहां घूम रहे। देख होगा थोड़ा टाइम लगता है केस सॉल्व होने में। कब से एक्सरसाइज कर रहे हो, ये अंदर हुआ टाइम लगता है ना। मॉम मॉम धोबन अच्छी है। मैडम से बोलूंगा मैं। बोल देना। हाँ खिलाओ खिलाओ प्रियंका को खिलाओ। अरे ये गधी नहीं है बल्कि हमारी लॉटरी है जो बस निकलने वाली है। धोबन चुनाव लड़ेगी। हाँ अरे का दिमाग पाया है तुमने। गधी ये है और गधा शोर कुमार को बनाया है तुमने। अरे मेरी धोबन खिल उठेगा तुम्हारा जोबन जब हम तुमको सर से पाँव तक धूप से छाँव तक सोने से लाद देंगे। अब अगर उस शोर कुमार को शादी करनी है तो वो हमें पूरे 20 लाख रुपया देगा। धोबन चुनाव लड़ेगी। अरे हाँ हमारे दिमागदार सैया धोबी वोट डालेगा। Oh my God, ये तो सचमुच में है बदमाश इज्जा, मेरी पिटाई करती है मेरी सास इज्जा। सही करती है भैया। चलिए मैडम को चल के बताते हैं। क्या? कि आपने धोबन को छेड़ा। नहीं मैडम सुन लेगा। हेलो हेलो मैडम। अबे गुलगुले, अबे इतनी देर हो गई कब से वेट कर रही हूँ मैं थारे फोन का। मैडम वो सच में सर की बीवी है। अरे मैडम मैंने अपनी आंखों से देखा वो लोग साथ में शॉपिंग कर रहे थे। मैडम अब तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब सर को कोई नौकरी से नहीं निकालेगा और उनकी जगह कोई अफसर भी नहीं आएगा मैडम। पर अब आपको तो प्यार का नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर रही बात आपकी मैडम तो कमिश्नर साहब आपको कैसे हटा सकते हैं। मैडम आप हैं तो चौकी है वरना चौकी क्या है। फोन रख। ओके मैडम बाय बाय। ये बढ़िया हो गया काम। शाबाश। हसीना सुन लूं मैं, हसीना सुन लूं। व्हाई इस थाने में अगर मैं खुश ना रहूंगी, मैं ना हंसूंगी तो कोई ना हंसेगा यहाँ। वैसे आप बड़ा हंसती रहती हैं दिन भर। शाबाश। कंजी आंखों वाले मंथरा खबर के लाया तू? धोबी हंस रहा था मैडम। मतलब वो धोबी और वो धोबन उसकी जो बीवी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो दोनों बदमाश हैं। उन दोनों ने मिलके इस बेचारे शोर कुमार को गधा बनाया मैडम। या मॉम वो कह रहे थे जब तक नहीं मिलेंगे उनको 20 लाख इज्जा उनकी गदी नहीं देगी उसे तलाक इज्जा। हाँ मैडम ये इस धोबी को तो सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा मिलेगी बिल्लू। कौन बिल्लू? इस धोबी को तो सजा मिलनी चाहिए मैडम। कोई आइडिया तो सूझ नहीं रहा है, दिमाग मारा काम कर नहीं रहा है। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही फुल नौटंकी पानी की टंकी आइडिया आ रहा है। तो थारी जो है जिंदगी की टंकी में सुराख कर दूंगी फिर देगा आइडिया। तो मैडम मेज के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए गुड आइडिया। चलो कभी तो हंस लीजिए मैडम। आयो अरे 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 चल चल जोक सुनाने वाली है मैडम।
अरे इतना फनी था, इतना खड़े हो जा, आ गई ऐसी नहीं मैडम आपने नहीं, एक बार और वो देख चिड़िया चिड़िया और हाँ अरे अरे यार और हंसने नहीं मैडम आप नहीं मैडम आप नहीं आप अच्छा आप जान नहीं है मुझे नहीं लगता आज ये बचेगा खत्म है ये चलो काम पे लगो यार यार तू बात मान नहीं रहा यार मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगी यार अरे यार मैंने बोला ना इंग्लैंड जीतेगा यार इंडिया जीतेगी ना यार इंडिया ही तो जीतेगी अरे यार मैंने बोल दिया ना इंग्लैंड जीतेगा अरे क्यों कदे की तरह जीत कर रहे हैं तुम चुप रहो यार अरे बोल दिया एक बार इंडिया जीतेगी तो इंडिया जीतेगी बस अरे यार तू जोशी है कोई है बे बहुत नाटक कर रहा है ना तू तू इंडिया जीतेगी अरे यार इतनी सी बात के लिए तूने बंदूक निकाल ली यार कोई बात है ये मैं तो ऐसे ही दिखा रहा था यार मैंने कल ही करी थी नई है नहीं लिया हाँ देख देख अच्छी है ना हाँ अच्छी है अरे अरे क्या मम्मा मार दिया भैया एक मिनट जरा पकड़ लो ये एक अरे बाप रे अरे भैया ये ले जाओ गन अरे तेरा जोड़ी इधर भाग गया है हेलो उठो उठो हेलो सही बनाओ आवाज ये रखो नहीं अरे नहीं नहीं ये गोली मैं हम नहीं चलाए है धोबन चुनाव लड़ेगी हम नहीं चलाए अच्छा हाथ में बंदूक था अरे और सामने एक मोटा आदमी थारे गिरा मरा पड़ा है है और तू कह रहा तैने खून ना करा तो क्या मैंने करा इसने करा है खून अरे नहीं नहीं देखिए हम बताएं ये गोली दरअसल एक दूसरे आदमी ने चलाई है वो ये बंदूक हमारे हाथ में पकड़ा के भाग गया है धोबन चुनाव लड़ेगी हाँ कहाँ है आदमी हमें तो कोई ना दिख रहा कोई है गवाह कोई यहाँ मौजूद था जिसने वो देखा हो कि किसी और आदमी ने कराया खून नहीं नहीं देखिए यहाँ तो और कोई भी नहीं है धोबन चुनाव लड़ेगी अरे ये और कोई नहीं क्यों नहीं ये नहीं ये थी ना यहाँ पे ये गधी ये देगी गवाही अरे पगला गए हो क्या ये गधी कैसे गवाही देगी धोबन चुनाव लड़ेगी है क्यों ना दे सके क्यों ना दे सके गधी गवाही अबे जब गधी किसी आदमी को अपना पति परमेश्वर मान सके जब ये किसी आदमी की गधी जो है बीवी बन सके जब अकॉर्डिंग टू यू भाई थारे अकॉर्डिंग एक गधी का मन आत्मा दिल सब एक औरत जैसा हो सके तो वो गवाही भी तो दे सके है ना एक काम करो ये गवाही देगी इसकी गवाही पे होगा फैसला तब तक इसे अरेस्ट करो नहीं नहीं मैडम समझ गया मैडम सब समझ गया धोबन चुनाव लड़ेगी मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम माफ कर दो प्लीज माफ कर दो कसम खाते मैडम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मैडम मैडम वो जो है ना शोर कुमार वो जिससे जब चाहे शादी करना चाहे वो कर सकता है मैडम हमको कोई आपत्ति नहीं है धोबन चुनाव लड़ेगी हमको छोड़ दीजिए माफ कर दीजिए आपके पति आ गए अरे थैंक यू मैडम जी अगर आज आप ना होती तो कल इनकी शादी ना हो पाती और हमने सबको एडवांस दे दिया है समझे कि नहीं समझे मैडम मैं हूँ उषा भर दूंगी भूसा मैडम मैं है ना शादी के बाद ना मेरी बेटी का नाम चंद्रमुखी रखूंगी अरे नहीं नहीं और मैडम मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं किसी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करूंगी चाहे पंडित जी कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो उषा क्यों ना हम साथ मिलकर अपनी गृहस्थ में भर दे भूसा करीना पराई है चलो वेरी गुड जब यहाँ सब हैप्पी एंडिंग हो ही गई है तो हम भी अपने बालकन जगा ले हाँ भैया गुलगुले अरे ये तो गुलगुले है और बो रहा गोपी एवरीबॉडी वेव टू हिम हे अरे ये गन चल भाई बोल अपना कैरी ऑन कैरी ऑन हाँ सही है अब इन दोनों बालकों की होगी शादी और इसे करेंगे अरेस्ट अरे यार पगार मिली है पूरे 5,000
चाइनीज ऑर्डर करे यार, प्रॉन्स। अबे यू तो सर की मैसेज हो रही है। अरे मजा आएगा। अरे प्रॉन मंचूरियन, चिली चिकन। अच्छा है, अबे चोरनी, वो क्या माजरा है? थाई यार, वो मोमोज होते ना, वो टिबेटन। इसकी तो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? बाप। अच्छा पॉकेट मार, पॉकेट मार हो रही भाभी, सर की बीवी सबकी भाभी अभी पॉकेट मार हो रही। नहीं नहीं बेटा, मुंह खोल और सत्य बोल, वरना जेल में ऐसी चक्की पिसवाऊंगी, ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि आटा खत्म हो जाएगा, सजा खत्म ना होगी थारी। वो अपुन, अच्छा अच्छा, अपुन आपको सब कुछ सच बताती है मैडम। वो क्या है ना, अपुन एक जेब कतरी है, तो अपुन ने वो इंस्पेक्टर साहब की जेब काटी थी, तो उन्होंने अपुन को पकड़ लिया, फिर उन्होंने कहा ये नाटक करेगी तो वो अपुन को छोड़ देंगे, तो इसलिए नाटक। हाँ। इसलिए तैने उनकी बीवी बनने का नाटक करा। अरे क्या खूबसूरत साड़ी पहन के आए यहाँ भाभी जी। अरे देखिए एकदम सेम टू सेम कलर है। अरे नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो, ये नमस्ते वमस्ते छोड़ो और मेरी FIR लिखो। अरे आप तो सर की वाइफ है ना, आपके साथ किसने क्या कर दिया? क्या हो रहा है? सुधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये बुढ़ा कौन है? अच्छा तो अब आपको मेरे पिताजी बुढ़ा लगने लग गए 17 के पहाड़े में। Excuse me, सर, ये आप अपने माननीय आदरणीय पूजनीय ससुर जी ने पहचान नहीं थे? नहीं, इन्हें तो हम पहचानते हैं, हमारे ससुर जी है, लेकिन यू नो हमारे बीच में काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर चलता है, तो हम मजाक में ने बुढ़ा कह देते हैं। क्यों ससुर जी? Well, sir, ससुराल वालों से नहीं करना चाहिए मजाक इसका, वरना वो निकाल सकते हैं आपका झाग इसका। वैसे हेलो, क्या हो गया आपको? किसके खिलाफ लिखानी है FIR? डरिए मत, मैं जो है ना एकदम टफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लूंगी उसके खिलाफ। ये 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 जो मेरे पति है ना, मुझे इनके खिलाफ FIR लिखवानी है। मैडम मुझे इनके खिलाफ दहेज का केस फाइल करना है। अबे 17 के पहाड़े में। अबे क्या कह रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूं? मैं मैडम जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इंसान मेरी बेटी को सताता है, इसे तंग करता है, दहेज के लिए परेशान करता है, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। अबे देंगे उल्टे हाथ का लपड़। अबे बुढ़ाऊ क्या बकवास कर रहा है? मैं ये कोई बकवास नहीं है, ये सब सच है मैडम। मैडम ये जुल्मी है, खूंखार दरिंदा है, दहेज का परिंदा है 17 के पहाड़े में। अबे क्या कह रही है? भाई क्या कह रही है? कुछ भी कह रही है, छोड़ो। हम अबे हम तुमसे दहेज कैसे मांग सकते हैं? भाई कैसे सर, अब कैसे? मैं क्या कहूँ सर, आपकी ब्याहता बीवी, आपकी मिसेज धर्म पत्नी, आपकी वाइफ सर यहाँ चौकी तक आ गई है, मतलब आपके खिलाफ FIR तक लिखा रही है सर। अब आपको कोर्ट में घसीटेगी, आपके खिलाफ जो है मुकदमा होगा, गली गली लोग आपके नाम पे थूकेंगे सर। क्यों सर? क्यों सर? ये क्या कर दिया सर आपने? क्या कर दिया सर? सर आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, लेकिन आप जेल भी जाएंगे सर, क्योंकि भाभी ये तो साबित करके रहेंगे कि आपने दहेज मांगा है। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? अरेस्ट करो, हाथों में बेड़ियां पहना दो। भैया अबे बैठ जा।
उठे हो, गोली मार देंगे हम तुझे। हम दहेज कैसे मांग सकते हैं, हमारी तो शादी ना हुई है। गुड एक्टिंग, वेरी गुड एक्टिंग। क्यों 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 झूठ बोला? मिस चौटाला, हमने इसलिए झूठ बोला क्योंकि हमने सुन लिया था ये बात कि कमिश्नर साहब हमारी छटनी करना चाहते हैं, क्योंकि हम कुंवारे हैं। अब कुंवारे तो हमारा क्या कसूर बे? इसलिए हमने वो शादी वादी का नाटक किया, सिंपल। अरे सर, तो मैंने भी तो आपसे प्रेम का नाटक इसलिए करा ताकि आपकी नौकरी बचा लें। तो वैसे सर, खुशखबरी यो है कि छटनी का ऑर्डर कैंसिल हो गया। स्माइल प्लीज।